आज देश को आजाद हुए 68 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी करोड़ों की तादाद भारतीय भूखे पेट सोते हैं। ऐसे में आज़ादी के मायने बदल जाते हैं। भूखों को अन्न देने व युवाओं को सामाजिक कामों में प्रेरित करने के मकसद से जलंधर के सिटी इंस्टीट्यूट द्वारा एक मुट्ठी दाल चावल नाम से एक मुहिम शुरू की गई है, जिसमें सिटी इंस्टीट्यूट के होटल मैनेजमेंट के छात्र घर घर जाकर लोगों से एक मुट्ठी दाल चावल मांगेंगे और उसको बनाकर भूखे लोगों को खिलाएंगे। इसका आगाज इन्होंने जलंधर से निकोदर के बीच में पड़ते गांव बोपाराय में जुग्गी झोंपड़ी वालों को खाना खिलाकर किया। मकसद यह कि 15 अगस्त वाले दिन असी एक आज़ादी का दिवस होंदा साडा, ते इस सिर्फ उन छुट्टी दे समझ के ना मनाइए। जेडे साडे पिछड़े हो लोग साडे देश विच, वह भी पार्ट एंड पार्सल साडे देश दा हैगा, साडे भरा भैन हैगे आ, उन्हां मिल के मनाइए। जेडे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते कुछ डेली अपने खाना पीना, असी हर जंद शहर च गए, घर घर च गए, एक मुट्ठी चावल अभियान लैके, बट एक मुट्ठी नहीं, लोगों ने तो लंगर लगाते साडे वास्ते, इन्ना लोगों ने डोनेट किया, तकरीबन 15 क्विंटल राशन इकट्ठा होया। एंड उदे नाल असी सिटी ग्रुप ने इत्थे नकोदर लागे पिंड विच एक लंगर लगाया आ, जिहड़े कि झुग्गी झोपड़िया च बंदे रहिंदे उन्हां वास्ते। बच्चों नूं देख के बड़ा खुशी महसूस हो रही है, और मैं दसना चाहूँगा मेरा अज बर्थडे भी हैगा, सो मैनू होर खुशी हो रही है कि मैं जिन्हें दे विच आके इन्हां नूं सेवा करन दा मौका मिल रहा जी। साडा कल असीं लुधियाने लंगर लगा रहे हैं जी, इदां ही सीकुएंस विच नैक्सट टाइम आपां फिर जलंधर पंजाब के होर शहरों से जाके, फिलहाल आपां जलंधर ते लुधियाने ये मुहिम चला रहे हैं, अवेयरनैस के नाल नाल मुहिम चलेगी ते आपां अमृतसर ते होर पंजाब के शहरों भी लगावांगे। सिटी इंस्टीट्यूट के स्टाफ के मुताबिक जलंधर के बाद अब वह लुधियाना में भी भूखे लोगों को खाना खिलाएंगे और आज़ादी दिवस मनाएंगे। जलंधर से अजा टीवी न्यूज़ के लिए रजत प्रीत सिंह की रिपोर्ट।